हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड चैनल और आप देख रहे हैं ई टेक ट्यूटोरियल सीरीज। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सीज़मिक स्टैटिक एनालिसिस कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीज़मिक एनालिसिस होता क्या है? तो सीज़मिक एनालिसिस को ही हम बोलते हैं अर्थक्वेक एनालिसिस। अब ये अर्थक्वेक एनालिसिस क्या होता है, यानी कि अर्थक्वेक जब आता है तो हमारा ग्राउंड वाइब्रेट करता है, उस वाइब्रेशन की वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका क्या रिस्पॉन्स, वो क्या रिस्पॉन्स देता है, उसके अंदर कौन कौन से फोर्स डेवलप होते हैं, कितना डिफॉर्मेशन डिस्प्लेसमेंट होता है, उस सबको कैलकुलेट करना ही होता है आपका सीज़मिक एनालिसिस। तो ब्रीफली बताता हूँ मैं, थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ आपको कि अर्थक्वेक के जो रीज़न है वो है, सबसे जो मेन रीज़न है वो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट्स हैं। आपको पता है हमारी अर्थ जो है कई सारी मेजर प्लेटें हैं जो पिघले हुए लावा के पत्थर के ऊपर तैरती रहती हैं, कुछ स्पीड 5 to 10 centimeters पर ईयर होती हैं, तो आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा मास किलो का, यानी कि 200 किलोमीटर के करीब और हजारों किलोमीटर का एरिया, जितनी प्लेट्स हमारी जब मूव होती है, इतना बड़ा मास जब मूव होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से कुछ वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है जो हमारी बिल्डिंग को स्ट्राइक करती है। तो वाइब्रेशन की वजह से हमारा ग्राउंड जो है वो हिल रहा है, तो ग्राउंड हिलने की वजह से क्या हो रहा है, हमारी बिल्डिंग भी हिल रही है, और इतनी बिल्डिंग भी काफ़ी हैवी होती हैं, इतनी हैवी बिल्डिंग और हिल रही है, ग्राउंड हमारा ऐसे हिल रहा है, इसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो जब हमारा ग्राउंड ऐसे हिल रहा है तो हमारी बिल्डिंग पे कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ेगा ही, है ना। तो बिल्डिंग में क्या होता है कि उसमें बिल्डिंग में कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। बिल्डिंग का अपना वाइब्रेशन का पैटर्न होगा, एक फ्रिक्वेंसी होगी, एक टाइम पीरियड होगा, और कुछ फोर्स भी जनरेट हो गए हैं। तो इस सब के एनालिसिस को ही हम बोलते हैं सीज़मिक एनालिसिस। तो सबसे पहले दो टाइप के एनालिसिस होते हैं इसमें सीज़मिक में, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। एक होता है आपका स्टैटिक और एक होता है डायनामिक ईक्यू एनालिसिस में। तो स्टैटिक में क्या होता है, देखिए ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, और आपका जो ग्राउंड है वाइब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से इसका जो वेट है, वेट की वजह से इसका वेट जो हो रहा है अनबैलेंस हो रहा है और ये गिरने को हो रही है इधर को, जिसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स डेवलप हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो टॉप पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इन फोर्स को कैलकुलेट करने पर हम बोलते हैं स्टैटिक मेथड, ठीक है। और अगर इस फोर्स को रोकना है तो हमें यहाँ पे एक फोर्स लगाना होगा बेस शियर, इस टोटल फोर्स के इक्वल क्या होगा, ये वाला फोर्स। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो वही बिल्डिंग हमारी बैलेंस होगी, कोई भी एक फोर्स ज़्यादा होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। तो इस फोर्स के समेशन को ही हम बेस शियर कहते हैं, ठीक है। तो डायनेमिक को हम कैलकुलेट करते हैं, बताते हैं कि कैसे वाइब्रेट हो रही है बिल्डिंग और उसकी फ्रिक्वेंसी क्या, उसका टाइम पीरियड क्या है। तो ये दो मेथड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टैटिक की। तो स्टैटिक स्टार्ट करने के लिए मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ, उसको सॉल्व करेंगे और स्टैटिक भी हो जाएगा हमारा, प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो देखिए इसमें ये दुग्गल जी की अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर की बुक है, इसका मैं आपको फ्रंट पेज दिखा देता हूँ कैसा है। ये देखिए ये अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर बहुत अच्छी बुक है एस के दुग्गल जी की, इसी में एक प्रॉब्लम दी हुई है स्टैटिक की, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये है, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि एक आरसीसी प्लान है, ये देखिए प्लान है ये, और ये एलिवेशन है आपका, ठीक है, और ईच फ्लोर की हाइट 3.5 meters, 3.5 meters, 3.5 meters, ठीक है। ये कह रहा है कि जो, हाँ एक और चीज़ आप बताता हूँ कि इंडिया में जो हमारा, सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कौन सा कोड है जिसके अकॉर्डिंग हम, जिसकी गाइडलाइन यूज़ करके हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं अगेंस्ट अर्थक्वेक फोर्स। तो 1893-2002, ठीक है, IS इंडियन स्टैंडर्ड 1893-2002, ये कोड है जिसकी गाइडलाइन हम यूज़ करते हैं। तो
इसने एक प्लान दिया हुआ है, फ्लोर हाइट दी, उसके बाद कह रहा है कि जो बिल्डिंग लोकेटेड है वो सिस्मिक जोन 5 में है। देखिए होता क्या है, हमारे इंडिया को बेस ऑन हिस्ट्रिकल अर्थक्वेक और अर्थक्वेक प्रोबेबिलिटी के ऊपर, डिपेंड के ऊपर, हमने अर्थ इंडिया को डिवाइड किया हुआ है 5 जोन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो फिफ्थ जोन का मतलब है वहाँ ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक के आने की, ठीक है। और एक और जो बताना चाहूँगा कि जो फर्स्ट हमारा जोन है वो मर्ज कर दिया गया है सेकेंड जोन के साथ, तो टोटल हमारे पास 4 जोन है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारी बिल्डिंग जोन 5 में है, वो कह रहा है कि जो सोइल है वहाँ की वो मीडियम है, हमें इसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। वो कह रहा है कि बिल्डिंग जो है स्पेशल मोमेंट रेस्टिंग फ्रेम है, ठीक है, और जो उसकी डेड लोड लगा हुआ है वो 10 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लगा, यानी कि डेड लोड 10 यहाँ पे लगा हुआ है और 10 यहाँ पे लगा हुआ है। और ये कह रहा है कि लाइव लोड 3 लगा हुआ है, देखिए 3 3 फ्लोर्स पे, फ्लोर्स टू कहता मतलब यहाँ से यहाँ तक, रूफ पे नहीं है, ठीक है। एक और चीज़ आपको बताऊंगा, कह रहा है कि सीज़मिक लोड कैलकुलेट करो स्टैटिक मेथड से, और इसने कॉलम और बीम की कोई डायमेंशन नहीं दी है, इसका मतलब, और ना ही कंक्रीट का ग्रेड दिया है, इसका मतलब जो फोर्स कैलकुलेट होगा इस डेड लोड की और लाइव लोड की वजह से होगा, इसने सेल्फ वेट कंसिडर नहीं किया है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है, मैनुअली एक बार मैनुअली समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास पैरामीटर क्या है, जोन फाइव का फैक्टर होता है हमारा 0.36, हर जोन का अपना एक फैक्टर होता है जो आपको कोड में मिल जाएगा। इम्पोर्टेंस फैक्टर 1.5, आई आई होता है, ये कुछ पैरामीटर्स जो हमें चाहिए होते हैं सिमसी डिजाइन के लिए। देखिए आई क्या होता है, इम्पोर्टेंस फैक्टर, कुछ स्ट्रक्चर हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ जनरल होते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं उनको थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे दी जाती है, उनका ये फैक्टर 1.5 ले लिया, जो जनरल बिल्डिंग होती है उनका फैक्टर हमने 1 ले लेंगे। तो एग्जाम्पल जैसे हॉस्पिटल है और एक रेजिडेंस बिल्डिंग है, उसमें 4-5 लोग रहते हैं, तो कौन सा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, अगर हॉस्पिटल हमारा कोलैप्स हो गया तो जाने ज़्यादा जाएंगी और वैसे भी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, लॉस होगी, तो हम थोड़ा सा उसको फैक्टर ज़्यादा देते हैं, तो वो होता है इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। उसके बाद है आपका रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर। देखिए एक्चुअल में जो हमारे फोर्सेस आते हैं ना वो इतने ज़्यादा होते हैं कि अगर हम उससे बिल्डिंग डिज़ाइन करेंगे सिस्मिक फोर्स से तो इकोनॉमिकली नहीं होगा, तो उसका कुछ हम रिडक्शन कर देते हैं, जो स्पेशल मोमेंट रेस्टिंग फ्रेम होता है उनके लिए जो रिडक्शन फैक्टर होता है वो 5 होता है। ओके ये थे हमारे पैरामीटर, अब देखिए हम इसे मैनुअली कैसे करते हैं। देखिए फ्लोर का एरिया गिवन है 8 बाई 8 मीटर का, ये देखिए ये 8 बाई 8, ठीक है, तो हमने उसका एरिया निकाल लिया, उस एरिया पे 3 किलोन्यूटन लाइव लोड लग रहा है, ठीक है। अब देखिए हमारा आईएस कोड क्या कहता है कि अगर आपका लोड लाइव लोड 3 या 3 से कम है तो अर्थक्वेक में जो उस लाइव लोड को केवल 25% ही कंसिडर करेंगे, ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा है तो कितना करेंगे, 50%। ओके आगे चलते हैं, टोटल सिज्मिक वेट, हर फ्लोर पे जो वेट है वो कैलकुलेट कर लिया है इन्होंने, 10 किलोन्यूटन पर मीटर लग रहा है ना, किलोन्यूटन पर मीटर हर फ्लोर पे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोन्यूटन में फोर्स आ जाएगा, ये देखिए, तो 64 तो एरिया है, 10 उस पर लग रहा है, प्लस 25% उसमें लाइव लोड कर लिया, तो टोटल फ्लोर पे एक फ्लोर पे लोड आ गया, ठीक है, और जो रूफ है उस पर लाइव लोड नहीं है तो उस पर थोड़ा कम आएगा, ठीक है, और जो टोटल फिर बिल्डिंग का वेट हमारा निकले इतना। उसके बाद बिल्डिंग का अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो, फंडामेंटल नेचुरल पीरियड ऑफ वाइब्रेशन, तो उसका इक्वेशन ये होती है, बिल्डिंग की हाइट हो गई, ये वेट हो गई, ठीक है, इससे टाइम पीरियड आ गया हमारा इतना, इन सब पैरामीटर की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। ये एक फैक्टर है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एक्सेलरेशन जो सोइल पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड और सोइल, एक हमारे पास ग्राफ होता है उससे हम वैल्यू निकालते हैं इसकी, जी ग्रेविटी आपको पता है और टी आपको पता है निकाल लिया है, तो एस ए बाई जी की वैल्यू उस ग्राफ से निकल जाती है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कोफिशियंट है जिसकी इक्वेशन ये होती है, जेड जोन फैक्टर, आई इंपोर्टेंस फैक्टर, जेड कितना था 0.36, आई कितना था 1.5, एस ए बाई जी आपने ये निकाल लिया, आर क्या रिडक्शन फैक्टर 5, जिससे हमारा ये वैल्यू निकल गया। ये है बेस शियर, जो मैंने आपको बताया था, जो टोटल फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा था आपकी बिल्डिंग में, ये तो लग रहा है लैटरल फोर्स, इस लैटरल फोर्स को असिस्ट करने के लिए जो बेस शियर है वी बी, वो ये है मैनुअली कैलकुलेट निकालने का। तो कैसे निकाला है, जो हॉरिजॉन्टल कोफिशिएंट जो ए एच निकाला है मल्टीप्लाई बाय टोटल वेट, तो टोटल इतना फोर्स आ गया, यानी कि ये जो लैटरल फोर्स, इनका समेशन कितना होगा, इतना।
ठीक है, फिर ये मेथड निकाल लेंगे, हमारा फर्स्ट फ्लोर है उस पर टोटल वेट हमारा कितना आ रहा था 688, हाइट इतनी थी, तो डब्ल्यू आई इस इक्वेशन से हमें ये लिख मिल जाएगा, फिर हमने यहाँ पे इस इक्वेशन से ये सॉल्व कर लिया। तो हर फ्लोर पे कितना हमारा फोर्स लग रहा है, कितना, फर्स्ट फ्लोर पे 20, सेकेंड पे 81, थर्ड पे 170, यहाँ यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। ठीक है, तो हमें ई टैप से करना है और हमारी यही वैल्यू आनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जरा देखिए थोड़ा सा इसका फंडा है, ये ऐसे फोर्स यहाँ जनरेट क्यों होते हैं, सब होता कैसे, हमारी बिल्डिंग है, पर जब अर्थक्वेक आएगा तो अर्थक्वेक के लिए बिल्डिंग ऐसी नहीं ऐसी होगी, ये सर्कल है जो बननी रेंज से ऐसी होगी, कॉलम जो है फ्लेक्सिबल और जीरो वेट, और ये सारा मास है आपका M1, ये M2 है और ये आपका M3 है। तो उसके जो मैथमेटिकल मॉडल है वो क्या कहता है कि जितना भी फोर्स लोड लगा हुआ है बिल्डिंग पे वो कंसंट्रेट होता है एक फ्लोर पे, कॉलम विदाउट वेट होते हैं, विदाउट लोड, मासलेस, ठीक है, सारा फोर्स कंसंट्रेट यहाँ हो रहा है, और जब आपको एक आता है तो ये इधर उधर मूव होते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल फोर्स इन पे लगता है वो ये लगता है इस तरह से। ठीक है, तो आओ आइए और अच्छे से आप समझ सकते हैं, कोई चीज़ समझ में ना आई हो इसमें तो पूछ लेना, आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्पेशली ये चैनल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, थ्योरी इसमें इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं की जाती, लेकिन जितनी कोशिश होगी मैं करूँगा, और आप कमेंट में अगर पूछेंगे तो मैं ज़रूर उस चीज़ को बताऊँगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, तो न्यू, तो हमारा मैट्रिक IS कोड इंडियन कोड के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे हम, ये आ गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लान हमारा 4x4 का है, तो हमारे को कितनी लाइन चाहिए, 1 2 3 लाइन इन X और 1 2 3 लाइन इन Y और 4x4 स्पेसिंग और नंबर ऑफ फ्लोर 3 और ईच फ्लोर 3.5। ठीक है, तो ये 3 3 लाइंस, स्पेसिंग 4x4 और नंबर ऑफ फ्लोर 3, ईच फ्लोर 3.5। ठीक है, ओके कर देते हैं। थोड़ा स्लो चल रहा है PC, तो ये ग्रिड आ गई है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि इस प्रॉब्लम में सेल्फ वेट लिया ही नहीं है, तो हम बीम कॉलम कोई भी साइज ले सकते हैं, क्योंकि सेल्फ वेट इंक्लूड ही नहीं है। तो हमने क्या यहाँ से कॉलम लिया और यहाँ पे हमने किया ऑल स्टोर है और हमने ऐसे ही डिफाइन कर दिया, फिर हमने लिया बीम और फिर हमने ऐसे बीम बना दिया, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। अब हम यहाँ पे वन स्टोर करते हैं और बेस पे जाते हैं, बेस पे सेलेक्ट किया हमने नोट्स और इसको सपोर्ट दे दी फिक्स। ठीक है, ये हो गया, ओरिजिनल प्लान से जाते हैं। अब देखिए हम यहाँ लगाते हैं स्लैब, अब स्लैब क्यों लगा रहे हैं हम अभी बताता हूँ आपको, पहले लगा देते हैं। देखिए यहाँ बेस पे भी स्लैब लग के उसको हटानी होगी, तो यहाँ वन स्टोरे और यहाँ प्लान बेस, ओके, इनको डिलीट कर देते हैं कीबोर्ड से, ये बन गया मोड। अब बात करते हैं कि हमने स्लैब क्यों लगाई, इसमें तो गिवन नहीं है स्लैब, बिकॉज देखो इसमें लोड दिया हुआ, डेड लोड 10 kN /m², पर मीटर स्क्वायर यानी कि एरिया लोड, और ये केवल हमारा ई टाइप के अंदर स्लैब के ऊपर लग सकता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्लैब के लोड को तो जीरो कर देंगे, सेल्फ वेट का उसके ऊपर इतना लोड लगा देंगे जो एक गिवन है। चलिए, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि ये हम ऑल स्टोरे कर देते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि ये डेड लोड लगा हुआ है पूरे इस पे 10 kN/m². तो मैंने क्या किया इसमें, असाइन सेल लोड यूनिफॉर्म यहाँ पे डाल दिया 10, 10 लग गया सभी पे, है ना, अगर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे सेल्स लोड को ऑन करूँ मैं तो 10 10 10 दिखाई देगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है वो कि लाइव लोड लग रहा है 3
बट रूफ पे नहीं लग रहा। तो मैंने क्या किया, पहले तो सारे सिलेक्ट कर लिए, फिर वन स्टोरी करके ऊपर वाला अनसेलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पे असाइन करा सेल्स लॉट यूनिफॉर्म, यहाँ पे लाइव लॉट, और थ्री लाइव लॉट थ्री लग गया हमारा। ठीक है, अब देखिए हम जो थ्योरी में जो मैन्युअली किया है उसी को हम सॉफ्टवेयर में करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया है इसने, ये वेट निकाले हैं, ये लोड है ना, तो ये तो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करेगा, पर सॉफ्टवेयर को ये तो बताना पड़ेगा कि 25% लेना है लाइव लोड का, है ना, तो ये बताना पड़ेगा। हम ये कैसे बताते हैं, ये टाइम में देखिए आप जाएंगे डिफाइन मास सोर्स, ठीक है, और यहाँ पे जो मास है इसी को हम एडिट कर लेते हैं मॉडिफाई। देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, स्पेसिफिक लोड पैटर्न पर क्लिक करना है, एलिमेंट का सेल्फ वेट हटा देना है, क्योंकि हमें सेल्फ वेट तो चाहिए ही नहीं, है ना, हमें जो डेड लोड दिया हुआ है 10 किलोमीटर और 3 किलोमीटर लाइव लोड उसी को लेना है, सेल्फ वेट हटा दिया, यहाँ पे हमारा सभी पे टिक होगा। अब यहाँ पे डेड लोड ऐड किया और फिर यहाँ पे लाइव लोड किया और यहाँ पे 0.25 किया, इसका मतलब ये कह रहा है स्पेसिफिक लोड पैटर्न, यानी कि डेड लोड पूरा लेगा ये और लाइव लोड 25%। इसमें तो यही क्या है प्रॉब्लम में, डेड लोड पूरा लिया है 10 किलोमीटर डेड लोड है और 25% लिया है लाइव लोड का, ठीक है, तो ये पैटर्न हो गया और ये हमने ओके कर दिया। इसका टाइटल भी चेंज कर दें, लम्ब्ड मास बोलते हैं इसको, विजुअल मास देते हैं, ये हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्या है, इसने क्या किया, ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं टाइम पीरियड में, ये मैन्युअली किया हुआ है और पैरामीटर्स दिए हुए हैं ये सारे, तो ये अभी हमें भी देने होंगे ये सारे पैरामीटर्स। तो देखिए ये टाइम में कैसे देते हैं, आप जाएंगे डिफाइन लोड पैटर्न और यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे डाला मैंने ई क्यू, ई क्यू एक्स। देखिए जो फोर्स निकल के आए हैं ये एक्स डायरेक्शन में, इसी तरह जेड में, दूसरी डायरेक्शन में भी होंगे, पर अगर बिल्डिंग सिमेट्रिक है तो दूसरी डायरेक्शन में भी सेम होंगे, तो इसलिए हम एक ही डायरेक्शन ले रहे हैं क्यू एक्स, और यहाँ पे लोड को क्या करेंगे, डेड को सीज़मिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे नन को, अपना कोड कौन सा बताया था मैंने, IS 1893-2002, ये कोड ऐड किया, अब इसी लोड को मॉडिफाई करेंगे। तो देखिए सब चीज़ें आ गई, देखिए हम क्या कह रहे हैं फोर्स किस डायरेक्शन में, हम हॉरिजॉन्टल फोर्स किस डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे हैं, केवल एक्स में, तो इन सबसे टिक हटा देंगे। ठीक है, जो हम कौन सा था हमारा 5, जिसके जो फैक्टर था 3.36, सॉइल टाइप हमारी देखिए 2 है, फर्स्ट ऑफ दी सॉफ्ट मीडियम हार्ड, मीडियम हमें गिवन थी प्रॉब्लम में, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर 1.5 गिवन था और रिस्पॉन्स डिटेक्शन 5 गिवन था, और हम बेस से स्टोरेज 3 तक का एनालाइज करेंगे। ओके कर दिया, ओके, बस आप इसको अब एनालिसिस कर देंगे। एनालिसिस हो रहा है, हो गया। अब देखिए रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, आप जाएंगे डिस्प्ले और इसमें जाएंगे स्टोरेज रिस्पॉन्स, ये आ गया। यहां पे देखिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, यहां पे खोलेंगे आप ऑटो लेटरल फोर्स, ये तो कैलकुलेट कर रहे हैं लेटरल फोर्स, ठीक है, ये वैल्यू आ गई लेटरल फोर्स की, देखिए जैसे मैंने जैसे इसमें लग रहा है वैसे ही लग रहा है लेटरल फोर्स, 1 2 3 एरो इसी तरह से। अब वैल्यू चेक करते हैं, तो वैल्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, इस पर क्लिक किया आपने फॉर्मेटेड, ये देखिए, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टोरी पे कितना लग रहा है आपका, 25 101 252, और जबकि हमारा कितना आ रहा है 20 81, तो कुछ तो गड़बड़ है, तो चलिए चेक करते हैं क्या गड़बड़ है, हम इसको अनलॉक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, हम डिफाइन में जाके जो लोड पैटर्न हमने बनाया है उसमें जो डेड लोड है इसको मॉडिफाई करते हैं और इसमें ये वैल्यू कर देते हैं कितनी, 0। देखिए लाइव लोड के आगे 0 था,
अर्थ के क्या की जरूरत है, डेड लॉट के लिए आगे क्या था, वन वन का मतलब क्या था, सेल्फ वेट भी है इसमें इंक्लूड, अब हमने जीरो कर दिया तो अब सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अब दोबारा एनालाइज करते हैं। अब देखते हैं फॉर्मेटिव में, अब आ रहा है 14, 57, अभी भी सही नहीं आ रहा है, तो अब हम कुछ और चेक करेंगे इसमें कि हमने कहाँ गड़बड़ की है। अनलॉक करते हैं, देखिए सॉल्व प्रॉब्लम से फ़ायदा यही होता है कि हमें पता चल जाता है हमारी गलती क्या है। देखो रिजल्ट तो आ गए, तो रिजल्ट करेक्ट आ ही नहीं आए तो हमें प्रॉब्लम से पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं फोर्सेस, लॉट जो लगाए हैं, मैंने डेड लॉट चेक किया तो 10, 10, 10, ठीक है ना। अब लाइव लॉट चेक कर लेते हैं तो 3, 3, 3, प्रॉब्लम में यही दिया है ना आपके, 10, 10, 3, ठीक है। प्लान चेक कर लेते हैं एक बार, फ्लोर हाइट हमने सही दी है, एलिवेशन भी चेक कर लेंगे, 4, 4, 4, ठीक है, एलिवेशन भी चेक कर लेते हैं इसका। ये देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, जेड 0 और यहाँ पे कितना है, जेड 3.5, ठीक है ये भी। अब हम चेक करते हैं मास, ठीक है, मास में हमें यहाँ क्लिक करना था, यहाँ क्लिक करना था, मास ठीक है हमारा, ये भी ठीक है। एक बार और लॉट पैटर्न को चेक कर लेते हैं, पॉइंट 3.6 इतना हमारा, जोन 5.36, ठीक है, सॉइल टाइप 2, इम्पोर्टेंस फैक्टर 1, ये भी 5 था हमारा, ओके। दोबारा एनालाइज करते हैं, एक चीज़ और करके देखते हैं, जो हमारा मास है इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके ओके, एनालिसिस, डिफाइन मास मॉडिफाई सेल्फ फिट तो लेना ही नहीं है, डेड लोड 1 लिया है, लाइव लोड 25% लिया है, बिल्कुल सही, और डिफाइन लोड पैटर्न एक बार और चेक करते हैं, एक्स है बिल्कुल सही, EQX 0.36, सॉइल टाइप 2, 1.5, रिस्पॉन्स रिडक्शन भी 5 है हमारा, ठीक है, इसका मल्टीपल हम 1 ही करते हैं, ओके, 3D लोड एक बार और चेक करना पड़ेगा हमें, 3.3 हो सकता है किसी स्लैब पे ना लगा हो, सभी पे लगा हुआ है, इसी तरह हमें डेड भी एक बार, ओके, देखिए यहाँ पे 10 नहीं लगा हुआ है इस वाली स्लैब पे, ये एरर आ जाता है कभी कभी बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टवेयर एरर, इसको हम यस करते हैं, दोबारा इस फाइल को हम खोल लेते हैं, दोबारा ही टैब को खोलते हैं, देखिए गलतियां होती हैं तभी हम सीखते हैं, अगर मैं इस प्रॉब्लम को नहीं लेता और डायरेक्ट सॉल्व कर देता तो आपको दिखाया था लैटरल फोर्स आ गया, लेकिन इस प्रॉब्लम से हमें पता चलेगा कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो हमने गलती क्या की थी, हमारी जो एक स्लैब थी, जो हमारी एक स्लैब थी उस पर लोड लगा नहीं था,
तो देखिए हम लोड चेक कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पे 10 kN फोर्स नहीं लगा है इस वाली स्लैब पे, जिसकी वजह से एरर आ रहा है। तो प्लान पे जाते हैं, डाउन पे गए, देखिए यहाँ लोड नहीं है, फिर डाउन पे गए यहाँ भी नहीं है, और हम असाइन कर देते हैं सैस लोड 10। अब प्लान देखते हैं दोबारा से, तो सब पे 10 लगा हुआ है, तो यही हमारी गलती थी। एनालाइज कर देते हैं दोबारा, डिस्प्ले में जाके हम देखेंगे फोर्स। लेटरल फोर्स फॉर्मेटेड तो 0, 31, 125, 265। अब हमें सेल्फ वेट हटाना होगा, अब रिजल्ट हमारा सही आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मास में, तो हमने नहीं दे दिया है, तो मास में नहीं है। और हमारा जो लोड पैटर्न था उसमें से हटा देते हैं हम लोड पैटर्न, डेड लोड में हम ये 0 कर देते हैं फैक्टर, और दोबारा एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमारा सारे स्टेप ठीक थे, बस एक स्टेप ठीक नहीं था, हम लोड जो हमने लगाया था डेड लोड 10 kN, वो सारी स्लैब पे नहीं लग पाया था। देखिए 0, 81, 170। वन सेवेंटी, 81 एंड 20। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक है। अब ये हमने किया क्यों है, ये हमने किया क्यों है कि हमने क्या कहते हैं, ये हमने किया क्यों है, लैटरल फोर्स कैलकुलेट क्यों किए हैं, क्योंकि जब हम डिज़ाइन देखिए, जब अगर आप डिज़ाइन करते हो आरसीसी, तो लोड क्या लोड लेता है, डेड और लाइव लोड, और उनके लोड की वजह से जो मूवमेंट आता है उसकी वजह से स्टील प्रोवाइड करता है। अब अगर डिज़ाइन करूँगा तो वो कौन सा लेगा, डेड लोड लाइव लोड प्लस अर्थक्वेक फोर्स को लेगा, फिर उसकी वजह से जो मूवमेंट आएगी मैक्सिमम, तब स्टील डिज़ाइन करेगा। तो ये अर्थक्वेक रेजिस्टिंग डिज़ाइन हो गया आपका। बार बार मेरे सॉफ्टवेयर में एरर आ रहा है, तो ठीक है, ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए आने वाली फीचर्स वीडियो के लिए। और अर्थक्वेक के बारे में आपको कुछ भी जानना है एनालिसिस के बारे में, तो कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में या तो वीडियो बनाऊंगा या आपको कमेंट करके रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।